Yes, students, I am going to start today. Judiciary, third organ of legislature, working of institutional political institutions. We have completed legislature and executive till now. Now we are going to start judiciary. In this, first of all, you should know the integrated judiciary in our country is like three courts: Supreme Court, High Court, and District Court. These are integrated. Integrated का मतलब होता combined. Like district courts जो है वो high court के orders को follow करते हैं. High courts आगे supreme court के order को follow करते हैं. Clear? And supreme court जो है that is the last apex. Apex का मतलब होता है सबसे top में. ठीक है? Highest court of appeal. Appeal क्या होती है? Like district court में अगर कोई person case जो है वो file कर रहा है. ठीक है? देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद वो हाई कोर्ट में कर सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट जो है वो लास्ट हो. ठीक है? इट मींस दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इन आवर कंट्री सुप्रीम कोर्ट जो है दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. क्लियर? तो सबसे पहले आपने ये बताना है सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस. इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजंस के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, लेकिन उसके बाद इट इज द एपेक्स, टॉप में. ठीक है? इसकी कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन के बारे में जब हम बताते हैं तो इट मीन्स हमें जजेस के बारे में बताना. ठीक है? नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है? कंपोजिशन सी जे आई प्लस मोर देन 30 जजेस. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा होता है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा है. ठीक है? तो आए दिन इसमें कितने ही केसेस जो है वो आते हैं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं 30, मोर देन 30 भी हो सकते हैं. और चीफ, वन चीफ, चीफ का मतलब होता है जो मेन जज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है? इसके बाद है इनकी क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन मस्ट बी सिटीजन, सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. एक तो सिटीजन होने चाहिए. एक इनको एक्सपीरियंस जो है 5 years experience, 5 years experience. Experience कहाँ पे होना चाहिए? In High Court as a judge. High Court as a judge. ठीक है? यानी कि judge, Supreme Court के judge बनने के लिए या Chief Justice बनने के लिए person को हाई कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट का 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज. ठीक है? या फिर अगर ये नहीं है और 10 year एक्सपीरियंस एज अ एडवोकेट, 10 years एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट लॉयर इन हाई कोर्ट. ठीक है? एडवोकेट या लॉयर इन हाई कोर्ट, या फिर उनको 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एडवोकेट या लॉयर. ठीक है? वो हाई कोर्ट में मतलब उनको लॉयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो दोनों में से जो भी कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई करती है अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन कैन बिकम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. क्लियर? आफ्टर दैट फिर इसके बाद रिमूवल और इनका टर्म, इनकी टर्म सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होती हैं इनकी टर्म कितनी होती है? 65 years सबसे मैक्सिमम है हमारे कंट्री में. 65 years सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इनकी टर्म है 65 years. रिटायरमेंट एज सबसे मैक्सिमम है हमारी कंट्री में. ठीक है? एंड इनकी रिमूवल, इनकी रिमूव अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनकी प्रेसिडेंट विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन करता है अपॉइंटमेंट? प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये बताना. और इनकी रिमूवल, रिमूवल का जो प्रोसेस है, रिमूवल का प्रोसेस सेम होता है जैसे इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट रिमूवल सबसे हाईएस्ट पोस्ट है इनकी, जज हैं. ठीक है? तो
इनको हटाने का जो प्रोसेस है वो पार्लियामेंट में होता है। इनको कौन हटा सकता है? मेंबर्स, एमपीज, बाय पासिंग टू थर्ड मेजोरिटी। इनको हटाने के लिए लोकसभा में प्रपोजल पास किया जाता है, क्लियर, एंड टू थर्ड मेजोरिटी से इनको रिमूव किया जा सकता है अगर एमपीज इनके अगेंस्ट वोटिंग करते हैं। तो रिमूवल जो है, रिमूवल का प्रोसेस इनका क्या है, सेम जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है इम्पीचमेंट के दौरान, ठीक है। इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन जो है इनके अगेंस्ट पास किया जाता है। वैसे आज तक हमारी कंट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं। तो ये तो था सारा इनकी इंट्रोडक्शन कॉम्पोजिशन। आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट की जो टर्म है, जो जजेस की टर्म है, 65 ईयर्स होती है। एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके अलावा बहुत से जजेस होते हैं, मोर देन 30। देन थर्ड इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री, एंड रिमूवल का जो प्रोसेस होता है दैट इज इन द पार्लियामेंट, क्लियर। इसके बाद फिर हमने बताना है दैट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनकी पावर्स एंड फंक्शंस क्या है। पावर्स एंड फंक्शंस याद करने के लिए आपको केसेस का याद करना होगा कि इनके पास जो केसेस आते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास दो तरह के केसेस आते हैं। एक आते हैं ओरिजिनल और दूसरे होते हैं अपेलेट। ओरिजिनल मतलब जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में केसेस आते हैं, अपेलेट का मतलब होता है जिनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट अपील सुनता है फ्रॉम हाई कोर्ट। अपील, अपील फ्रॉम हाई कोर्ट। इसका मतलब है कुछ केसेस जो होते हैं वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, वो होते हैं ओरिजिनल केसेस या ओरिजिनल, वो इसकी ओरिजिनल पावर। लेकिन कुछ केसेस जो होते हैं वो पहले हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट अगर उनको अपील करे तो ही वो सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं, क्लियर। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, अपेलेट केसेस या अपेलेट पावर। तो कौन से केसेस ओरिजिनल होते हैं, कौन से होते हैं अपेलेट, तो उसके बेसिस के ऊपर इनके फंक्शंस या पावर्स जो है वो डिसाइड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होते हैं ओरिजिनल। ओरिजिनल पावर्स या ओरिजिनल केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट केसेस कौन से आ सकते हैं ओरिजिनल, अगर डिस्प्यूट, ऐसे केसेस जिसमें डिस्प्यूट है बिटवीन स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि ऐसे केसेस जिसमें एक तरफ स्टेट और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सपोज एक स्टेट है पंजाब, या दो स्टेट भी हो सकती है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये तीनों एक तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ, यानी कि इनकी लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो इनके बीच में जो डिस्प्यूट है या जो केसेस हैं वो सीधा कहाँ पे आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। या फिर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, जैसे कावेरी रिवर डिस्प्यूट। कई बार क्या होता है, रिवर्स के वाटर के रिलेटेड जो है वो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है, ठीक है। तो ये ऐसे केसेस भी कहाँ पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास। एक और केसेस जो है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकते हैं, दीज आर कॉल्ड केसेस रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, आपको पता है फंडामेंटल राइट्स हमारी कंट्री के जस्टिशिएबल है। अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो पर्सन सीधा सुप्रीम कोर्ट जो है वो मूव कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पे केस फाइल कर सकता है, क्लियर। तो इट मींस वी कैन से दैट सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स एंड फंक्शंस है, ओरिजिनल फंक्शंस आपने तीन मेन याद रखने हैं। नंबर वन, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, एक तरफ स्टेट एक तरफ सेंटर गवर्नमेंट। डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, स्टेट्स के बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है वो, एंड केसेस रिगार्डिंग फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये हो गए इनके ओरिजिनल केसेस, ओरिजिनल पावर्स, यानी कि ऐसे केसेस जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हैंडल कर सकता है। सेकंड, ये केसेस सीधा सुप्रीम कोर्ट आते हैं, लेकिन कुछ केसेस पहले सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, वो पहले हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर वो पर्सन हाई कोर्ट में सेटिस्फाई नहीं है, अगर उसको लगता है कि हाई कोर्ट में वो केस हार गया है, अब वो हाई कोर्ट से इस केस को अगर सुप्रीम कोर्ट में ओपन करना चाहता है, तो फिर हाई कोर्ट क्या करेगा, उसको सर्टिफाइड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको हेयर करे।
तो अपील की जाएगी। ऐसे केसेस को क्या बोलते हैं? अपेलेट केसेस, अपेलेट फंक्शंस या अपेलेट पावर्स। इनमें अलग अलग तरह के केसेस होते हैं, ठीक है। तीन तरह के केसेस याद रखो, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। सिविल केसेस वो होते हैं जिनमें क्राइम इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे मैरिज प्रॉब्लम, डाइवोर्स, एडॉप्शन, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, ठीक है, जिसमें क्राइम या मर्डर, ऐसे मतलब चार्ज ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, ये इन्वॉल्व नहीं होता। ऐसे केसेस जो हैं वो पहले, सबसे पहले कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से ये फिर कहाँ पे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? अपेलेट। अपेलेट मीन्स अपील। पहले इसको हाई कोर्ट में ओपन किया जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट से फिर इसको सुप्रीम कोर्ट। ये सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं, ये केसेस पहले हाई कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। देन इज क्रिमिनल। क्रिमिनल केसेस कौन से होते हैं? जिसमें मर्डर, चार्ज ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, ऐसे केसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये केसेस जो होते हैं इनको क्रिमिनल केसेस कहा जाता है, जिसमें क्राइम इन्वॉल्व होता है। ये केसेस भी पहले हाई कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है, क्रिमिनल केसेस। थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज आपको पता बहुत टेक्निकल है, ठीक है, कॉमन पर्सन जो है वो इसको नहीं समझ सकती। तो कई बार क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग, या कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज लिखे हुए हैं उनके रिगार्डिंग कुछ केसेस जो है वो हाई कोर्ट के पास आते हैं। और अगर हाई कोर्ट सर्टिफाइड करता है, अपील करता है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में ओपन किया जाए, तो ही ये केसेस, अदरवाइज हाई कोर्ट इनको हैंडल करता है। तो आपने याद रखना है तीन तरह के केसेस, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो है, ये केसेस सबसे पहले हाई कोर्ट में ओपन होते हैं, उसके बाद इनकी अपील की जाती है आगे सुप्रीम कोर्ट के पास। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अपेलेट जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है एरिया ऑफ कंट्रोल। जुरिस्डिक्शन मींस एरिया ऑफ कंट्रोल। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जो केसेस सीधे आते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अपेलेट पावर या अपेलेट जुरिस्डिक्शन, जो केसेस पहले हाई कोर्ट में आते हैं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो ये केसेस के अकॉर्डिंग हम इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओरिजिनल केसेस एंड अपेलेट केसेस, ठीक है। देन थर्ड फिर हमने बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फंडामेंटल राइट्स या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट जो है, थर्ड इज प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन भी कह सकते हो, प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। फाइनल इंटरप्रेटर है ये। फाइनल इंटरप्रेटर का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा गया है उसको ये इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेटर। फाइनल इंटरप्रेटर का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में वट एवर इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनको इंटरप्रेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और अगर कोई भी किसी भी तरह से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इफ गवर्नमेंट पासिस एनी लॉ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ पास करती है दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, देन सुप्रीम कोर्ट उनको क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर दैट लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट की इस पावर को क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? इफ गवर्नमेंट पासिस एनी लॉ, ठीक है, एंड दैट लॉ इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, देन सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू डिक्लेयर दैट लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, या गवर्नमेंट को कह सकता है कि इसके ऊपर वापस रिव्यू किया जाए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की इस पावर को क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं, अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही
तो एक तरह से चेक, चेक का मतलब होता है कंट्रोल, कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो लॉज बनाए जाए, अगर नहीं है या तो उनको रिपील कर दिया जाए या फिर उनको चेंज कर दिया जाए। दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू दिस सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो ये है सुप्रीम कोर्ट की पावर्स। देन इसके बाद साथ ही आप ये भी बता सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स, वैसे तो आपने पहले ओरिजिनल बता ही दिया हुआ है, लेकिन इसमें भी आप अलग से भी बता सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करता है। हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। आप इसमें क्या बताओगे? इफ फंडामेंटल राइट ऑफ एनी पर्सन इज वायलेटेड, अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है किसी गवर्नमेंट के द्वारा, आपका पर्सन के द्वारा या किसी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, देन ही कैन सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। पर्सन कैन सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। वैसे हम पहले भी कर चुके हैं, आप इसको अलग से भी बना सकते हो, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, देन फिफ्थ फिर हमने क्या बताना है? दैट एडवाइजरी फंक्शन, एडवाइजरी, एडवाइजरी फंक्शन, एडवाइजरी फंक्शन में एडवाइस देना। कौन एडवाइस देते हैं? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। किसको एडवाइस देते हैं? प्रेसिडेंट को। तो बहुत इजी है, सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट गिव एडवाइस टू प्रेजिडेंट। ठीक है, प्रेजिडेंट को एडवाइस देते हैं। ठीक है, और रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन या रिगार्डिंग द लीगल मैटर्स, क्योंकि प्रेजिडेंट और जजेस में से अगर देखा जाए तो लॉ की नॉलेज ज्यादा जजेस को होती है। तो आए दिन हमारी कंट्री में कितने बिल्स आते हैं, कितने ही लॉज जो है वो पास होते हैं, तो प्रेजिडेंट टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो CJI हैं उनसे किसी भी बिल से रिलेटेड कोई भी लीगल एडवाइस जो है वो ले सकते हैं। तो ये किसमें आएगा? एडवाइजरी फंक्शंस, एडवाइजरी फंक्शंस। ठीक है, देन नेक्स्ट हमने बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है दैट एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि वट एवर हियरिंग्स एंड डिसीजंस आर टेकन बाय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो ये क्या करते हैं, जितने भी डिसीजंस या जो भी हियरिंग्स होती हैं, ठीक है, उनको एज अ रिकॉर्ड, केप्ट एज अ रिकॉर्ड, प्रिजर्व करके रखा जाता है, केप्ट एज अ रिकॉर्ड ऑल द डिसीजंस टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो भी डिसीजंस हैं, जो भी हियरिंग्स होते हैं, जो भी जजमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनको सबको प्रॉपर कंप्यूटर, आजकल तो वैसे कंप्यूटराइज है, प्रॉपर फाइल्स बनाकर इनको रखा जाता है ताकि नेक्स्ट कभी जरूरत पड़े तो अगर सेम वैसा केस आए तो सेम ही एक ही तरह की जो है वो जजमेंट दूसरे केस में भी दी जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है, सपोज जो है वो जजेस के सामने केस आया और मे बी 1 ईयर के बाद सेम ऐसा ही केस आया जिसमें सारे सर्कमस्टांसेस सेम थे, तो उसको एज अ रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि उस टाइम पर में जो जजमेंट दी गई तो सेम तरह की जजमेंट जो है वो नेक्स्ट उसी में भी दी जाए ताकि एक जैसी जो है यूनिफॉर्म पॉलिसी को मेंटेन किया जाए। Kept as a record, इसका मतलब क्या है? It means all the decisions taken by the judges of Supreme Court and High Court, these are published and kept as a record. इनको proper record rooms होते हैं इनके, उसमें रखा जाता है, so that these can be given as example for future cases. ताकि आगे आने वाले जो lawyers हैं, जो study of suppose अगर किसी ने lawyer बनना है ना, तो वो पिछले cases, यानी कि पिछले जो cases होते हैं, उनको proper study करते हैं और उसमें जजमेंट क्या थी उसको सारा वेरीफाई करते हैं कि कौन से आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग क्या प्रोविजंस की गई थी, ताकि आगे आने वाले केसेस में उनको हेल्प मिल सके और एक ही तरह के जजमेंट, एक ही तरह के जो है डिसीजंस जो है वो लिए जाए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जब हम हाई कोर्ट के करते हैं वो भी सेम ही है, हेडिंग सेम ही होते हैं, लेकिन लिटिल बिट इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। जब हम हाई कोर्ट के फंक्शंस करेंगे वो भी सेम ही है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क होगा क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है, तो इसमें बाकी सारे पॉइंट सेम रहेंगे, कुछ हम चेंजेस करेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट, क्लियर?
इसमें हमने क्या बताना है, सबसे पहले हाई कोर्ट जो है दैट इज द जुडिशियल ऑर्गेन इन द स्टेट हाईएस्ट, ये है हाईएस्ट ऑर्गेन इन द स्टेट, जो हाई कोर्ट होता है दैट इज द हाईएस्ट जुडिशियल ऑर्गेन इन द स्टेट, ये स्टेट में होता है। वेट फॉर वन मिनट, हां जी अंश, आस्क योर डाउट। What is the meaning of jurisdiction? Jurisdiction का मतलब होता है area of control. Original cases, original jurisdiction, appellate cases, appellate jurisdiction, area of control. Jurisdiction का मतलब होता है जो cases सीधा Supreme Court के पास आते हैं उनको बोलते हैं original cases, original powers. जो High Court से Supreme Court में आते हैं उनको बोलते हैं appellate jurisdiction और appellate powers. Clear? हाँ जी धैर्य। यस मैम, मैम मैंने पूछना था मैम, जो आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, मैम वो कोई इनका इंटरव्यू वगैरह होता है कि सीधे ही अपॉइंट कर देते हैं? हाँ जी प्रॉपर इनका एक जिसमें कहते हैं कि प्रॉपर काइंड ऑफ जब इंटरव्यू होता है तो इसमें प्रॉपर इनकी एक्सपीरियंस, इनकी जो क्वालिफिकेशन है, जो इनका प्रॉपर रिकॉर्ड है वो सारा उसमें वेरीफाई किया जाता है, प्रॉपर इंटरव्यू होता है। और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिलर मिनिस्टर के अलावा और भी बहुत से हाईएस्ट हमारी कंट्री के जो जुडिशियल जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी राय ली जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज बनना बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, वो ऐसे ही किसी को नहीं बना सकते, ये मतलब ऐसे। ठीक है, प्रॉपर क्वालिफिकेशन होती है, कंडीशंस होती हैं जो उनको सारी सेटिस्फाई करनी पड़ती है। ओके ठीक है, हाँ जी अब हम कहते हैं हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ आर स्टेट हाई कोर्ट, जैसे पंजाब, कई बार क्या होता है दो तीन स्टेट से इकट्ठा हाई कोर्ट भी हो सकता है, जैसे पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है दो तीन स्टेट से इकट्ठा हाई कोर्ट भी होता है, वैसे जनरली हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम वैसे ही चीफ जस्टिस मतलब, लेकिन ये चीफ जस्टिस इंडिया नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इंडिया का, तो वो हो गया ना फिर सुप्रीम कोर्ट। इनके हाईएस्ट यानी कि हाई कोर्ट के जो मेन जज हैं उनको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और अदर जजेस डिपेंड करता है, ये चेंज हो सकता है हर स्टेट का, अदर जजेस हर स्टेट में जजेस का नंबर अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन। ठीक है, नंबर फिक्स नहीं है, ये अलग अलग हो सकता है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन सेम, सिटीजन ऑफ कंट्री, 10 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए 10 इयर्स का एक्सपीरियंस, 10 इयर्स एक्सपीरियंस एज 10 ईयर एक्सपीरियंस एज एडवोकेट, क्योंकि उसने जज बनना है ना तो इनको एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 years experience of High Court as an advocate. वही person High Court का judge बन सकता है जिसको High Court में 10 years का advocate का minimum, maximum तो जितना मर्जी हो सकता है, minimum 10 years होने चाहिए। ठीक है, इनकी retirement age कितनी होती है, 62 years, ये याद रखना है। Supreme Court के judge की होती है 65 years, इनकी कितनी होती है 62 years, ये याद रखना, 62 years. ठीक है, रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, ये इनका जस्ट आपने सिंपल याद रखना है, एंड अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, सेम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड रिमूवल इन द पार्लियामेंट, ये याद रखो, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, रिमूवल इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इनको रिमूव करती है हाई कोर्ट के जजेस को। इसके बाद बाकी सारे हेडिंग्स वैसे ही रहेंगे आपके, ठीक है, लेकिन कुछ जो आपकी वर्डिंग चेंज होगी, लाइक नंबर वन, हाई कोर्ट के पास कौन से केसेस सीधे आ सकते हैं डायरेक्ट, वो हो जाएंगे ओरिजिनल, नंबर वन ओरिजिनल, ओरिजिनल पावर क्या है केसेस के रिगार्डिंग, कौन से केसेस सीधे हाई कोर्ट में डायरेक्ट आ सकते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सिंपल इसमें आपने बताना है डाइवोर्स, रेवेन्यू, ठीक है, जस्ट इसमें आपने पहले की तरह वो नहीं बताना, इसमें आपने सिंपल बताना है कि हाई कोर्ट के पास
कौन से केसेस आ सकते हैं, सेम डाइवोर्स से रिलेटेड, रेवेन्यू, एग्जाम्पल बता दो, वैसे बहुत से होते हैं लेकिन हम सारे नहीं लिख सकते, तो एनी टू यू कैन राइट, डाइवोर्स, रेवेन्यू, सिविल केसेस, ठीक है, सिविल केसेस आप लिख सकते हो, ये केसेस आप लिख सकते हो कि कोई भी ऐसे केसेस जो सीधे हाई कोर्ट में आ सकते हैं, कौन से आ सकते हैं, डाइवोर्स से रिलेटेड आ सकता है, रेवेन्यू से रिलेटेड आ सकता है, सिविल केसेस आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड इज अपेलेट, अपेलेट केसेस कौन से होते हैं, अपेलेट, अपील, यानी कि ये केसेस पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि कुछ केसेस होते हैं सीधे हाई कोर्ट में आ सकते हैं, कुछ केसेस पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर ये हाई कोर्ट में आते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके बाद फिर ये हाई कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में कौन कौन से केसेस आ सकते हैं, ये आप बता सकते हो, क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस, ठीक है, इवन कुछ सिविल केसेस भी आ सकते हैं इसमें, कुछ सिविल कैटेगरी सिविल केसेस की भी आ सकती है, सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो कि हाई अपील का मतलब होता है कि हाई कोर्ट सुनता है अपील किसके अगेंस्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट, सेशन कोर्ट के अगेंस्ट, इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, यानी कि ऐसे केसेस जो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए लेकिन वहां पर पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहता है कि अब मेरा केस हाई कोर्ट में ओपन किया जाए, तो हाई कोर्ट उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब उनकी हियरिंग के अगेंस्ट अपील जो है वो हाई कोर्ट सुनता है, ठीक है। देन थर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सेम है कि हाई कोर्ट के जजेस के द्वारा जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं उनको एज अ रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको हम कहेंगे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। थर्ड आ गया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, व्हाटएवर द डिसीजन टेकन बाय हाई कोर्ट जजेस, दीज आर कैप्ट एज अ रिकॉर्ड, पब्लिश प्रॉपरली, सो दैट इन फ्यूचर If any cases will be there, then same kind of judgment should be there. एक ही तरह के judgment दी जाए, एक ही तरह के examples दिए जाए, ठीक है। Then fourth, power to interpret constitution, interpret constitution. High court के judges भी constitution को interpret करते हैं, interpret का मतलब होता है properly constitution में जो भी लिखा गया है उसको explain करते हैं। If state government, यहाँ पे आ जाता है हाई कोर्ट का स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट जैसे पंजाब गवर्नमेंट, इफ स्टेट गवर्नमेंट पासिस एनी लॉ विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, देन हाई कोर्ट कैन गिव गाइडलाइन टू स्टेट गवर्नमेंट। तो हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को गाइडलाइंस देते हैं और किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है, एनी लॉ कैन बी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द हाई कोर्ट, क्लियर। सो इसका मतलब क्या है कि हाई कोर्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर चेक रखते हैं, चेक का मतलब होता है कंट्रोल करते हैं, ताकि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ ना पास करे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, ठीक है। सेम उसके बाद फिफ्थ, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, कुछ इनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में बताओगे कि हाई कोर्ट जो है अपने से नीचे जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको गाइडलाइंस देते हैं, लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट कौन से आ गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया, सेशन कोर्ट आ गया जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, सेशन कोर्ट, ठीक है। इसमें हमने क्या बताना, दैट हाई कोर्ट मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ लोअर कोर्ट्स, प्रमोशन, जो लोअर कोर्ट में जो जजेस होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, उनकी प्रमोशन होती है, उनके रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस होते हैं, दीज आर टेकन बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट जो है वो अपने से नीचे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट में जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या जो भी उनके प्रमोशन होती हैं, या जो भी उनका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है, वो सारा मेंटेन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस देता है हाई कोर्ट को,
हाई कोर्ट गाइडलाइंस देता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, और इस तरह से हमारी कंट्री में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम जो है वो रखा गया है, ताकि हमारी कंट्री में जो जुडिशरी का सेम पैटर्न, सेम पैटर्न का मतलब होता है एक ही तरह के जो है वो डिसीजन जो है वो लिए जाए. इफ पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द लोअर कोर्ट देन दे कैन अपील इन हाई कोर्ट. इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ हाई कोर्ट देन दे कैन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट. कुछ केसेस सीधे आते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, कुछ एज अ अपील आते हैं. इसी तरह से हाई कोर्ट में भी कुछ केसेस सीधे आते हैं, कुछ ऐसे जो अपील पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जाती है उसके बाद वो हाई कोर्ट में सुने जाते हैं. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन से दैट हमारी कंट्री का जो सिस्टम है जुडिशियल सिस्टम दैट इज फेयर, दैट इज वेरी फेयर. फेयर का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन चाहे वो कॉमन पर्सन है चाहे मिनिस्टर है या कोई भी है, तो सेम काइंड ऑफ पनिशमेंट सेम काइंड ऑफ प्रोसीजर इज फॉलो. किसी के साथ किसी भी तरह से कोई भी फेयर या पार्शियलिटी नहीं की जाती है. शायद इसलिए भी कहा जाता है कि हमारी कंट्री में जुडिशरी बहुत डिले है. डिले का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर किसी पर्सन को अल्टीमेटली उसका जो केस जो है उसका रिजल्ट आने में कई बार कितना टाइम लग जाता है, कई बार 5 years 10 years लग जाते हैं. नंबर ऑफ केसेस आर वेरी लार्ज, नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं. इसलिए हमारी कंट्री में मेन हम ये कह सकते हैं कि जुडिशरी सिस्टम जो है वो बहुत डिलेड हो जाता है और लेट हो जाता है. ठीक है, तो ये था हमारी कंट्री का जुडिशियल सिस्टम. इसमें अब हमने एक टॉपिक करना है, व्हाई इट इज इंडिपेंडेंट, क्यों ये इंडिपेंडेंट है जुडिशरी. सिंपल इसका मतलब क्या है, जजेस जो हैं वो मिनिस्टर्स के कंट्रोल में नहीं है, व्हाई दे आर कैप्ट इंडिपेंडेंट एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस. ऑब्वियसली जजेस अगर मिनिस्टर्स के कंट्रोल में होंगे, प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में होंगे, तो जजेस जो भी डिसीजन लेंगे उनको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और ऐसे में हमारी कंट्री का सिस्टम फेयर नहीं होगा. तो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी का मतलब होता है पावरफुल जुडिशरी. जुडिशरी हैज बीन कैप्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इन आर कंट्री, सो दैट दे शुड टेक देयर डिसीजंस विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट पार्शियलिटी. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इन आर कंट्री इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है, कि हमारी कंट्री में जो जजेस हैं चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस चाहे हाई कोर्ट के जजेस हैं, दे आर फ्री टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन. नो डाउट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. मैंने आपको बताती हूँ ना कि हाँ जी कौन अपॉइंट कर सकता है, प्रेसिडेंट. बट यू नो वंस दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट दे आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन. जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट वंस दे आर अपॉइंटेड देन दे आर फ्री टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन. देन दे आर फ्री, फिर वो बिल्कुल फ्री है. उसके बाद जब जजमेंट के टाइम पीरियड में सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो जजमेंट लेनी है उन्होंने अपने अकॉर्डिंग लेनी, देन दे विल नॉट, दे कैन गिव एडवाइस टू प्रेसिडेंट, लेकिन वो प्रेसिडेंट की एडवाइस नहीं लेंगे. फिर वो प्रेसिडेंट की एडवाइस नहीं लेंगे केसेस के रिगार्डिंग, जो भी केसेस की हियरिंग होती है ना वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, ये उनका एडवाइजरी फंक्शन है. लेकिन उन केसेस के बारे में प्रेसिडेंट से किसी भी तरह से जो है वो फेवर या उनकी एडवाइस नहीं लेंगे, देन दे आर फ्री टू टेक, क्योंकि उनको लॉ की नॉलेज ज्यादा है. ठीक है, और इसलिए हमारी कंट्री में हम ये कह सकते हैं कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है. नेक्स्ट जो पीरियड होगा उसमें हम ये पॉइंट डिटेल से करेंगे, जुडिशरी इंडिपेंडेंट. एंड एक और कंसेप्ट है हमारी कंट्री में, लोक अदालतें. पुअर पीपल के लिए कुछ हमारी कंट्री में, ताकि वो इस कोर्ट के सिस्टम जो है या स्पीडी जस्टिस उनको मिले, तो हमारी कंट्री में कुछ सिस्टम अडॉप्ट किया गया, इसको लोक अदालत कहा जाता है, ताकि पुअर पीपल को स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड किया जाए. PILs होती हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस होती हैं, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पीरियड. जुडिशरी इंडिपेंडेंट, और एक हमारा टॉपिक रह गया है लोक अदालत. ठीक है, थैंक यू बेटा.